फ्रेंड्स, सिर्फ एक रात इसको लगा के आप सो जाएं और सुबह ताजे पानी से अपना फेस धो लें। फ्रेंड, मैं लिख कर देता हूं, आप इसको हर दिन लगाएंगे, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपका चेहरा इतना खूबसूरत दिखेगा, सब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि यार सच सच बता, तू अपने फेस पर क्या लगाने लगा है। दिनों दिन आपके फेस की रंगत खिलेगी, आपका फेस खूबसूरत बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। फ्रेंड, यदि चैनल पर न है तो जरूरी सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। फ्रेंड, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, लड़का हो या आप लड़की हो, कोई भी इसको लगा ले, सब पर सूट करेगा, आपके चेहरे की रंगत बदल जाएगी, आपका फेस खूबसूरत दिखेगा। तो क्या वो तरीका है, क्या आपको लगाना है, आप ध्यान से वीडियो को सुनना समझना, क्योंकि छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत फायदे वाला वीडियो, ध्यान से एक एक बात को सुनना और लास्ट तक सुनना। फ्रेंड, आप लास्ट तक नहीं सुनते इसलिए आप पूछते हैं कि सर इसको मैं क्या डालना था, मैं भूल गया ये वो, इसलिए प्लीज यार छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देखते रहना, ठीक है। फ्रेंड, चलिए अब मैं आपको बताऊंगा आपको किस तरीके से इसको तैयार करके अपने फेस पर इसको लगाना है, ठीक है। फ्रेंड, हफ्ते में आप इसको 3 बार लगा सकते हैं, 2 या 3 बार लगा सकते हैं, डेली मत लगाइए, 3 बार आप आराम से लगा लीजिए, आपका फेस ऐसा सुंदर दिखेगा कि आप मुझे याद करेंगे। देखिए फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी कटोरी लीजिए, 1 चम्मच आपको कच्चा मिल्क लेना है, कच्चा मिल्क सबसे बेस्ट होता है, कच्चा मिल्क लीजिए सिर्फ 1 चम्मच, और 1 चम्मच आपको ताजा एलोवेरा जेल लेनी है, मार्केट से आप एलोवेरा जेल लेके आइए जिसमें केमिकल ना हो, या फिर आपके पास ताजा एलोवेरा है तो वो तो सबसे बेस्ट होता ही है। ताजा एलोवेरा जेल 1 चम्मच, 1 चम्मच कच्चा दूध और 1/2 चम्मच इसमें पिसी हुई बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लीजिए, पाउडर बना लीजिए चीनी का, यानी कि शक्कर का, इसमें मिला दीजिए। फ्रेंड, इन तीनों चीजों को मिलाकर 5 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ दें। 5 मिनट होने के बाद अपना फेस ताजा पानी से धो लीजिए या फिर मिल्क से ही अपने फेस को साफ कर लीजिए। फिर फेस को सुखाने के बाद क्वाटन की मदद से आप हल्के हल्के हाथों से अपने पूरे फेस पर इस मिश्रण को लगा लें, कानों पर लगा लें, चेहरे पर लगा लें, गर्दन के नीचे लगा लें या फिर गर्दन के पीछे साइड भी, आप सब जगह इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके मन में ये चल रहा है किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं है, इस बात की बिल्कुल टेंशन आपको लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आपको केवल और केवल यह फायदा देने वाला नुस्खा है, ठीक है। फ्रेंड, इसको लगाने के बाद 15 मिनट सूख जाए उसके बाद आप सो जाइए, सोने के बाद आप आराम से सो जाइए, और सुबह जब आप उठे तो सबसे पहले आप अपना फेस धो लीजिए। फ्रेंड, फेस धोने के बाद 1-2 बूंद आपको घी सबसे बेस्ट होता है, घी के लीजिए और अपने फेस पर इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज कर लीजिए। फ्रेंड, फिर देखना आपका फेस अंगूर की तरह खिल जाएगा, इतना खूबसूरत आपका फेस हो जाएगा, जैसे आपकी बचपन में स्किन थी आपके फेस की, उस तरह की स्किन बननी स्टार्ट हो जाएगी, आपका फेस मक्खन की तरह कोमल खूबसूरत दिखेगा, सब लोग आपसे जानना चाहेंगे कि यार आज तू क्या लगा के आया फेस पर, दिनों दिन आपके फेस की खूबसूरती निखरेगी। ऐसा आप करके देख लो, आप मुझे याद करेंगे कि इस बंदे ने कितना अच्छा तरीका बताया था। तो फ्रेंड, यदि आपको वीडियो जानकर अच्छा लगा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।